क्या लग रहा है सूरज डूबता हुआ, वाह। तो मैं गया था शॉप पे, मैंने सामान ले लिया है, मतलब मेडिसिन वगैरह ले ली हैं, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। ये जो साइकिल है ना, ये मेरे भांजे की साइकिल है, जो मेरा भांजा ना इसको बेचने वाला था, लेकिन मैंने उसको बेचने नहीं दिया, और ये अब मेरे बहुत काम आ रही है। एक तो ये गियर वाली साइकिल है, तो इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है, हालांकि थोड़ी छोटी है पर ठीक है, काम चल जाता है, करना क्या, चलाना ही तो है। मस्त यहाँ पे क्रिकेट चल रहे हैं, और मुझे लास्ट ईयर की याद आ रही है, जब मेरे पैर की बैंड बजी थी, आज तक दर्द होता है मेरे को। मैं भी क्रिकेट ही खेल रहा था, लॉकडाउन का लास्ट डे था, और मेरा पैर मोच गया था। उसके बाद कहीं फिजियोथेरेपी कहीं कुछ, मतलब इतना टाइम लगा मुझे, बहुत दर्द हुआ था, तो फिजियोथेरेपी ली, चलना भूल गया। मैं लोगों को देखता था कैसे सीढ़ी से उतरते हैं वो लोग, और इतना दर्द मेरे को रहता था पैरों में, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ पैर मोचना। मतलब मैं हमेशा सोचता था लोगों को कि यार पैर मोच जाता है लोगों का, कितना दर्द होता होगा, और फिर मेरा पैर जब मोचा ना, तो बाप रे, एक साल पूरा लग गया, अभी भी दर्द होता है मेरे को। जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वॉइस ओवर करने बैठता हूँ कंप्यूटर पे, जब भी बहुत दर्द होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत किया करो, यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान होता नहीं है, इसलिए मैं निकलता हूँ, और इवनिंग वॉक के लिए तो लगभग यहाँ पे सभी लोग निकलते हैं, और बहुत दूर रहते हैं, कोई भी पास नहीं आता है। क्या टाइम है, मतलब यार दूर भागना पड़ रहा है इंसानों से, ये कैसी बीमारी है। मतलब जब पहले कोई पहले कोई बीमार होता था तो लोग हालचाल लेने जाते थे, अब अगर कोई बीमार होता है तो सामने वाला फ़ोन करके कहता है कि घर मत आना। कैसा टाइम आ गया, मतलब बीमारी भी आज के टाइम के हिसाब से आई है, जैसे हम लोग सब आप अपने आप में ही खोते जा रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं है, तो बीमारी भी इस तरीके से आई। एक जो वायरस आया वो लोगों को दूर करने लगा, सबको एकांत में पटकने लगा, अद्भुत, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा टाइम आएगा। एक ऐसा वायरस जो लोगों को अकेले रहने के लिए मजबूर करता है, कि अगर कोई पास आएगा तो वो भी उस वायरस से शिकार हो जाएगा। तो यहाँ ख़त्म होता है ये कल के वीडियो का छोटा सा पार्ट। मुझे लगा कि इस पार्ट को भी रखना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी जो बातें हैं वो भी अच्छी लगी होंगी। कहीं ना कहीं सच में हम एक ऐसे वायरस के चपेट में आए हैं जिससे हमारा देश या कहिए पूरी दुनिया ही हिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा भी रहा है ये वायरस। ये वायरस इंसानियत की पहचान कराता है, ये वायरस हमें सिखाता है आने वाले कल की तैयारी के लिए। तो बहुत कुछ इस कोरोना से हम सीखेंगे, और सीखना भी चाहिए। यही वो वक्त है जब इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए, अपना फ़ायदा और नुकसान को भूलकर एक दूसरे के प्रति हेल्प का हाथ बढ़ाना चाहिए, मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, और सही मायने में वही इंसान होगा जो इस वक्त भी अपने नुकसान और फ़ायदे को भूलकर लोगों की मदद करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी कहीं ना कहीं अपने घरों में सुरक्षित हैं, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, दिल से अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलेंगे आज के ब्लॉग में, आज रात को 10:30 बजे।